इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पीसी या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जैसे हमारा न्यू वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चले इस वीडियो को हमें स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले पीसी ऑन करना है और पीसी ऑन करने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च कर देना है इंटरनेट। तो चलिए मैंने सर्च कर दिया है इंटरनेट। और इंटरनेट सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट में इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको क्लिक करना है, क्योंकि जो सभी पीसी में ऑलरेडी ब्राउजर आता है तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जो ब्राउजर है वही ओपन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ओपन हो गए। और ओपन होने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं सर्च बॉक्स पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है गूगल इंग्लिश। तो मैंने इस तरह लिख दिया गूगल इंग्लिश, तो आपको क्लिक कर देना है। और सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट में क्लिक करना है गूगल पे। तो चलिए मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरह दूसरा पेज ओपन हो जाएगा गूगल पे। तो चलिए मैंने गूगल पे क्लिक कर दिया, तो अभी देख लीजिए कि दूसरा पेज ओपन हो गए। तो चलिए इस पेज को मैं मैक्सिमाइज पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है गूगल क्रोम डाउनलोड। तो चलिए मैं टाइप कर देता हूँ गूगल क्रोम डाउनलोड। तो आपको इस तरह गूगल में टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपको गूगल सर्च पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं गूगल सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपको इस तरह लिख देना है और आपको गूगल सर्च पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको दूसरा नंबर पे क्लिक करना है जो गूगल क्रोम डाउनलोड है, तो उसमें आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमारा पीसी में जो गूगल क्रोम है वही ब्राउजर हमारा उसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो मैं गूगल क्रोम डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको इस तरह दूसरा नंबर पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद उसमें जो विंडो ओपन हो जाएगा, तो आपके पास जो विंडो 10 है, 8 है, 8.1 है, जो 7 है, तो उसमें आपको क्रोम ब्राउजर को यूज कर सकते हो। तो हमारे पास जो विंडो 7 है, तो मैं डाउनलोड क्रोम पे क्लिक करता हूँ। तो आपको इस तरह डाउनलोड क्रोम पे क्लिक कर देना है, तो जो क्रोम ब्राउजर है वही हमारा पीसी में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको रन पे क्लिक कर सकते हो और आपको सेव पे कर सकते हो। तो हमारा जो पीसी में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो मैं रन पे क्लिक करता हूँ, तो आपको रन पे क्लिक करना है। रन पे क्लिक करने के बाद इस तरह आपको प्रोसेस देखने को मिल जाएंगे, तो फिर से आपको रन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं रन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा जो पीसी है, तो इस पीसी में हमारा जो क्रोम ब्राउजर है वही उसमें डाउनलोड स्टार्ट हो गए। तो उसमें आपको वेट करना है डाउनलोड होने में। तो अभी देख लीजिए कि हमारा पीसी में जो क्रोम ब्राउजर है वही हमारा डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद उसमें इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि हमारा डाउनलोड कम्प्लीट हो गए और होने के बाद उसमें जो इंस्टॉल है वही हमारा इंस्टॉल भी स्टार्ट हो गए। तो उसमें जो आपको डाउनलोड भी हो जाएगा और आपका इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि हमारे जो टास्क बार पट्टी है, तो इस पट्टी में हमारा गूगल क्रोम का आइकन भी आ गया है। तो अभी देख लीजिए कि उसमें हमारा ऑटोमेटिक गूगल क्रोम ब्राउजर है वही ओपन हो गए। तो चलिए मैं फिर से क्लोज करके आपको डेस्कटॉप में जाके बता देता हूँ। तो इस हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हो गए हमारा पीसी में। तो चलिए उसको मैं क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के बाद भी डेस्कटॉप में जाके आपको फिर से क्रोम ब्राउजर को ओपन करके बता देता हूँ। तो चलिए मैंने फिर से सभी को क्लोज कर दिया। तो आप देख लीजिए कि हमारा डेस्कटॉप है, तो हमारा डेस्कटॉप में गूगल क्रोम ब्राउजर है वही हमारा आ गए। तो चलिए उसको मैं ओपन करता हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा क्रोम ब्राउजर है वही हमारा पीसी में डाउनलोड होने में हमारा इंस्टॉल भी हो गए। तो इस तरह आपको आपके पास पीसी या लैपटॉप है, तो उसमें आपको क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो इस तरह आपको कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा क्रोम ब्राउजर है वही हमारा पीसी में सही से डाउनलोड होने में हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो इस तरह आपको क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हो।
तो गाइस जो सभी प्रोसेस था तो इस प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।